दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पास कीजिए भगवान श्री राम जी से जुड़ी ये परीक्षा, फ्री में कीजिए अयोध्या की हवाई यात्रा और साथ में राम लला जी के VVIP दर्शन। तो दोस्तों इसके विषय में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कहाँ पे परीक्षा देना है और पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो रेड कलर बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों मध्य प्रदेश में इन दिनों शिक्षा के साथ धर्म को जोड़ने का जैसे चलन बढ़ गया है। चिकित्सा शिक्षा में हेडगेवार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उच्च शिक्षा में रामचरितमानस और राम सेतु के पाठ के बाद अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तुलसी मानस प्रतिष्ठान और मध्य प्रदेश का संस्कृत विभाग दिसंबर में इस परीक्षा को आयोजन कराएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में अयोध्या कांड के अलग अलग प्रसंगों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भगवान राम और उनके वनवास के समय जितने भी प्रसंग हुए हैं उनसे जुड़े 100 सवाल इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। टॉपर को कराई जाएगी अयोध्या की सैर। इस परीक्षा में सबसे अनोखी चीज़ है कि जीतने वाले को नगद इनाम नहीं मिलेगा बल्कि उसे अयोध्या तक चार्टर्ड प्लेन के जरिए यात्रा करवाई जाएगी और अयोध्या में उन्हें रामलला के VVIP दर्शन करवाए जाएंगे। और दोस्तों तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा जी ने बताया कि इस परीक्षा में 100 प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे। परीक्षार्थी को सही जवाब पर निशान लगाना होगा। हर जिले से 3 विद्यार्थी और 3 सामान्य लोगों को चुना जाएगा। इसके बाद बारी बारी से अलग अलग जिलों के विजेताओं को चार्टर्ड प्लेन के जरिए अयोध्या ले जाया जाएगा। अयोध्या में विजेताओं को रामलला के VVIP दर्शन करवाने के लिए बाकायदा ट्रस्ट से बात भी कर ली गई है। और दोस्तों रघुनंदन शर्मा जी ने बताया कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान ने प्रस्ताव बनाकर संस्कृत विभाग को भेज दिया है, जहाँ जरूरी औपचारिकताओं के लिए शासन स्तर पर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा के लिए दिसंबर के महीने का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि तब तक स्कूलों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी हो जाएंगी और वार्षिक परीक्षाओं के लिए इस छात्रों के पास 2 से 3 महीने का समय भी रहेगा। इस बीच में वह आसानी से इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए हर किसी को 100 रुपये बतौर पंजीयन शुल्क भी जमा करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।